Hello everyone, in this video lecture of microprocessor and microcontroller, I am going to discuss architecture of 8051 microcontroller. तो सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है कि what is the difference between microprocessor and microcontroller? तो basically microprocessor is a CPU on a chip. Means कि अगर हम पूरे के पूरे CPU को एक single chip पर fabricate करते हैं तो that is called microprocessor. ठीक है, एंड माइक्रो प्रोसेसर जिस कंप्यूटर में यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर. एंड अगर हम उस पूरे के पूरे माइक्रो कंप्यूटर को मींस सीपीयू, मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस, टाइमर सबको एक साथ एक चिप पर फैब्रिकेट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर. मींस इन सिंगल लाइन कंप्यूटर ऑन अ चिप और माइक्रो कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर. ठीक है, इसके लिए हमें एक्सटर्नली पेरिफेरल डिवाइसेस या मेमोरी को कनेक्ट नहीं करना पड़ता. इसकी चिप में ही इट्सेल्फ मेमोरी भी होती है एंड पेरिफेरल डिवाइसेस भी होते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम माइक्रो प्रोसेसर में सेपरेटली कनेक्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर जनरली वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पर हमें मशीन कंट्रोल डिवाइसेस यूज़ करने होते हैं, लाइक वॉशिंग मशीन, फोटोस्टेट मशीन, फैक्स. इन चीज़ों में हम क्या यूज़ करते हैं? हम माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं. क्लियर है? इसमें हमें बार बार प्रोग्राम को रीराइट नहीं करना होता. और प्रोसेसर्स वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ हमें प्रोग्राम्स को बार बार रीराइट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल योर फोन. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051. तो इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई इंटेल. किसने इंट्रोड्यूस किया? इंटेल ने. कब किया? इन 1981. क्लियर, ये आपने याद रखना है. ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इसके फीचर्स क्या होते हैं. सबसे पहले तो ये जो सीपीयू है, सीपीयू इज़ अ 8-bit सीपीयू. 8-bit CPU है, मींस कि ये जो भी प्रोसेसिंग करेगा वो 8-bit की डेटा के साथ करेगा. अगर 16-bit का डेटा होगा तो उसको वो 2 8-bit की डेटा में ब्रेक करेगा, देन उसके साथ प्रोसेस करेगा. नेक्स्ट इज 4KB. नेक्स्ट इज 4KB. 4KB ROM ऑन चिप. और इस ROM का यूज़ क्या होगा? इस ROM का यूज़ होगा फॉर प्रोग्रामिंग. तो दिस इज़ कॉल्ड 4KB ROM ऑन चिप. थर्ड फीचर इज दिस वन. व्हाट इज द साइज ऑफ दिस रैम? 128 byte ऑन चिप रैम फॉर डेटा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट फिर टाइमर्स. फोर्थ इज 2 टाइमर्स. टाइमर्स का मेनली फंक्शन क्या होगा? प्रोवाइडिंग डिले बिटवीन 2 इवेंट्स. इट कैन बी वर्क एज अ काउंटर, क्योंकि हमें डिले ही प्रोवाइड करना है. 2 टाइमर्स, टाइमर 0 एंड टाइमर 1. ये जो टाइमर्स होंगे ये होंगे 16-bit. नेक्स्ट फीचर इज 4 input/output ports. क्या है? 4 input/output ports. ठीक है, और एवरी पोर्ट्स में 8 bits होंगे. इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ऑफ 8-bit. तो टोटल पिंस कितनी होंगे? 4 into 8 इज इक्वल टू 32 bits और 32 pins फॉर इनपुट आउटपुट. ऑन चिप क्लॉक ऑसिलेटर जो कि सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करेगा. ठीक, नेक्स्ट फीचर इज फुल डुप्लेक्स सीरियल पोर्ट. ठीक है, XT फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा और XT फॉर रिसीविंग द डेटा. नेक्स्ट फीचर इज इंटरप्ट सोर्स. ठीक है, तो जब भी आप ब्लॉक डायग्राम स्टार्ट करोगे तो आपको ये फीचर्स पहले बताने होंगे. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग. ठीक है, हमें सबको पता चल गया कि 8051 क्या है, माइक्रो कंट्रोलर का मींस क्या है, कंप्यूटर ऑन अ चिप, ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर. जब भी हम ये क्वेश्चन आपको आएगा कि एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम, तो आपको ये पॉइंट्स बताने होंगे. और अगर आपसे पूछा जाता है माइक्रो कंट्रोलर इन वन लाइन डेफिनेशन, तो सिंपल से बात है कि कंप्यूटर ऑन अ चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर. इट इंक्लूड्स मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस, टाइमर, ऑल ऑन चिप. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर.
स्टार्ट करते हैं वर्किंग वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं विथ सीपीयू मैंने ऑलरेडी बताया कि दिस इज़ 8-bit प्रोसेसर। क्यों? बेसिकली 8-bit प्रोसेसर है, वो 8-bit की डेटा के साथ प्रोसेस करेगा। इट विल परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, इट कैट नॉट स्टोर एनी डेटा। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑन चिप रोम फॉर प्रोग्राम कोड? तो ये हमारी क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। मीन्स कि जो ऑन चिप रोम है, ऑन चिप रोम मीन्स कि दिस इज परमानेंट मेमोरी। ठीक है, वी राइट प्रोग्राम ऑन इट। ठीक है, हम देखते हैं ऑन चिप रैम का। तो ऑन चिप रैम की बात करें तो दिस इज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा, इज यूज फॉर डेटा स्टोरेज। ठीक है, डेटा स्टोरेज रिसीव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइसेस। ठीक है, ऑन चिप रैम 128 bytes इज डिवाइडेड इन 32 रजिस्टर और वी कैन से 4 रजिस्टर बैंक। ठीक है, ईच बैंक इंक्लूड 8 रजिस्टर। ठीक है, तो ये बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे। जो 4 बैंक होते हैं इनकी काउंटिंग क्या होती है, बैंक 0, 2, 3 बैंक, एवरी रजिस्टर बैंक में 8 रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शन ऑफ सीपीयू रोम रैम। इज द फंक्शन ऑफ टाइमर 0 एंड टाइमर 1? तो दिस इज बेसिकली टाइमर 0 एंड टाइमर 1 इज यूज्ड टू प्रोवाइड डिले बिटवीन टू इवेंट्स। ठीक है, इट कैन बी यूज एज अ काउंटर ऑल्सो। ठीक है, और ये कितने बिट का काउंटर होता है, दिस इज 16-bit काउंटर। दूसरा ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड डिले सो दैट ऑल इंटरनल ऑपरेशंस कैन बी सिंक्रोनाइज्ड। स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग पार्ट्स। फर्स्ट हमारा ऑसिलेटर का बेसिकली फंक्शन क्या होगा, दिस इज अ क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर मींस कि दिस विल जनरेट फिक्स्ड क्लॉक फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या जनरेट करेगा, क्लॉक फॉर ऑल डिवाइसेस टू वर्क सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, ये है इसका फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज बस कंट्रोल। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बस कंट्रोल? बस कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन विथ एक्सटर्नल डिवाइसेस और मेमोरी। ठीक है, मींस ठीक, अब ये ऑपरेशंस क्या करेंगे, फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन। ठीक है, नाउ हाउ मेनी बसेस आर देयर? देयर आर 2 टाइप ऑफ बसेस, डेटा बस। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डेटा बस? इट इज 8-bit बाई डायरेक्शनल। क्लियर है? ठीक, नाउ सेकेंड बस इज एड्रेस बस। ठीक है, एड्रेस बस कितने की होगी, 16-bit विच इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल एंड एड्रेस बस इज 16-bit। दैट्स वाई ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इट कैन प्रोवाइड एक्सेस टू 64KB मेमोरी ओनली। ठीक है, अगर हमें किसी भी माइक्रो प्रोसेसर या कंट्रोलर का एड्रेस पता है तो इट कैन प्रोवाइड एक्सेस
व्हाट इज़ द साइज ऑफ मेमोरी, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2^2 नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, 2^16 कैन बी रिटन एज 64 KB, मीन्स कि ये 64 KB की मेमोरी को एक्सेस प्रोवाइड करेगा, 64 KB मेमोरी एक्सेस, डन। तो दिस वॉज द फंक्शन ऑफ बस कंट्रोल। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं फोर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ठीक है। इसमें क्या है, ईच हैव 8 bits, ठीक है। ईच हैव 8 bits मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी और टोटल नंबर ऑफ पिंस कितने होंगे, टोटल पिंस इज इक्वल टू 4 × 8 इज इक्वल टू 32 pins, एंड ऑल पिंस आर बाई डायरेक्शनल, ठीक है। ऑल पिंस आर बाई डायरेक्शनल इन विच पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2 वर्क एज एड्रेस डेटा, क्लियरली मेंशन है, बाई डायरेक्शनल एरो शो है। P0 एंड P2 क्या लिखना है हमें, P0 एंड P2 कैन बी यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है, इन विच P2 work as address bus and P0 work as multiplexed address as well as data bus, ठीक है। And in this any pin can be used as input or output pins, ठीक है। Port 1 work only for input output operations, ठीक है, 8 bit का ही होगा। and port 3 की बात करें तो port 3 behave as dedicated input output ports, ठीक है। now last two sections, सीरियल पोर्ट एंड इंटरप्ट कंट्रोल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरप्ट कंट्रोल, एज नेम सजेस्ट कि ये क्या कंट्रोल करेगा, इंटरप्ट सिग्नल को। नाउ ये इंटरप्ट सिग्नल आएंगे कहाँ से, यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ एरो, दीज आर ऑल एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरप्ट सोर्स होंगे, देयर इज 6 इंटरप्ट सोर्सेस, ठीक है। और ये जो इंटरप्ट होंगे, इट कैन बी हार्डवेयर इंटरप्ट एज वेल एज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, ठीक है। तो अब हमारा जो लास्ट ब्लॉक है, दैट इज सीरियल पोर्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट दिस इज यूज्ड फॉर सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TXD, TXD मीन्स ट्रांसमिट डेटा, एंड RXD means receive data, ठीक है। और ये जो हमारे सीरियल पोर्ट्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, फुल डुप्लेक्स होते हैं, means कि यहाँ पर हमारा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन सेम टाइम पे हो सकता है। एंड देयर इज फोर सीरियल कम्युनिकेशन मोड्स, ठीक है। इन मोड ज़ीरो इट वर्क एज शिफ्ट रजिस्टर मोड, क्लियर। इन मोड 1 इट वर्क एज स्टैंडर्ड UART, स्टैंडर्ड U मीन्स यूनिवर्सल, A फॉर असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर मोड, एंड मोड टू इज मल्टी प्रोसेसर मोड, ठीक है। फॉर दिस वीडियो दैट्स इट, स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, थैंक यू।